नमस्कार। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी महासंग्राम के साथ। यूपी में दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है और तीसरे दौर के लिए प्रचार चरम पर है। तो कन्नौज में प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं या सीधे आपको लिए चलते हैं? पीएम बनने का अवसर दिया, मैं एक सांसद के नाते, यहां के उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते, किसानों की तरफ से आपको मैं वादा करता हूं, ये जिम्मेवारी मेरी होगी। सुन लिया, सुन लिया, ये जिम्मेवारी मेरी होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनते ही उनकी पहली मीटिंग में ही किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय मैं करा दूंगा। भाइयों बहनों, हमारे हिंदुस्तान की फिल्म आप देखते हैं, अलग अलग प्रकार की मूवी आती हैं, सिनेमा देखते हैं आप लोग। हमारे फिल्मों की एक विशेषता होती है, आपने देखा होगा कि इंटरवल तक दो जानी दुश्मन बराबर एक दूसरे से भिड़ते हैं, भांति भांति के खेल करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, और इंटरवल के बाद अचानक दोनों मिल जाते हैं। देखा है ना, ये उत्तर प्रदेश में भी राजनीति के मंच पर एक नई फिल्म चल रही है। इंटरवल के पहले दोनों लड़ रहे थे, 27 साल यूपी बिहार नारे लगा रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे, अखिलेश जी का कच्चा चिट्ठा खोल देते थे, जितने आरोप लगा सकते थे लगा सकते थे, लेकिन इंटरवल के बाद दोनों, ये कौन सी फिल्म है भाई? भाइयों बहनों, ये चुनाव बड़ा कमाल का है। मैं हैरान हूं मीडिया के लोगों का इस बात पर ध्यान क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारे देश का मीडिया बड़ा चतुर है, चीज को पकड़ लेता है। जब पहली पत्रकार परिषद हुई तो अखिलेश जी ने तो मायावती जी के खिलाफ बयान दिया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को पूछा गया कि आपको मायावती के खिलाफ क्या कहना है, तो कांग्रेस ने ऑफिशियल कह दिया कि हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं हैरान हूं कि इसके बाद कभी कांग्रेस को किसी ने प्रश्न ही नहीं पूछा कि आपका मायावती जी के लिए क्या कहना है, बीएसपी के लिए क्या कहना है। क्यों चुप हो भाई? ये इसलिए चुप हो, ये अखिलेश जी अभी अनुभव कम है, ये कांग्रेस वाले कितने चतुर हैं उनको समझ नहीं आता है। मुलायम सिंह जी को तो आता है, इनको नहीं आता है। ये चुनाव में दो लोग साथ साथ हैं ऐसा नहीं है, इस चुनाव में त्रिपगी दौड़ चल रही है, त्रिपगी दौड़, तीन पैर वाली दौड़ चल रही है। एक सपा का पैर है, दूसरा सपा का पैर कांग्रेस के एक पैर के साथ बंधा हुआ है, और कांग्रेस का दूसरा पैर बसपा के पैर के साथ बंधा हुआ है। ये कांग्रेस की कमाल है, एक पैर सपा के साथ, एक पैर बसपा के साथ, और ये त्रिपगी दौड़ रहे हैं। लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस समझ लीजिए, दो पैर से दौड़ने वाले को तीन पगी दौड़ वाला कभी हरा नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है।
अखिलेश चेतता चेत जाओ मुलायम सिंह जी की बात तो आप सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन लिख के रखो कांग्रेस ने एक पैर बीएसपी के साथ बांध करके रखा हुआ है और एक पैर आपके साथ बांध करके आपकी मदद ले रहे हैं। ये नया खेल हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार त्रिपगी दौड़ वाला खेल चल रहा है, उसको समझना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इस उत्तर प्रदेश में आपने देखा, पांच साल मायावती जी की जब सरकार थी तो अखिलेश उनके भ्रष्टाचार के गीत गाते थे। जब अखिलेश जी की सरकार आई तो कांग्रेस और मायावती दोनों उनके भ्रष्टाचार के गीत गाते थे। दिल्ली में 10 साल कांग्रेस के राज में सारे देश ने भ्रष्टाचार देखा है, सुना है, उसकी बदबू आज भी आ रही है। आप देखिए, 5 साल उनका भ्रष्टाचार, 5 साल बसपा का, 5 साल सपा का और 10 साल का कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कैसे अनुभवी लोग इकट्ठे हुए हैं। इतने बड़े खिलाड़ी भ्रष्टाचार के इकट्ठे आएंगे तो अब उत्तर प्रदेश में कुछ बचेगा क्या? इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र आशा बची है। भाइयों बहनों, मैं आज कन्नौज की धरती पर आया हूं तो इतिहास के कुछ पन्ने खोलना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये बात याद रखिए और इस पूरे इलाके में घर घर पहुंचाइए। मैं इतिहास का एक पन्ना याद कराना चाहता हूं और अगर आपको फुर्सत हो तो पुराने अखबार निकाल करके देख लेना। 4 मार्च 1984 जब मुलायम सिंह जी लोहिया के विचारों को लेकर के कांग्रेस के खिलाफ बड़ी कड़ी लड़ाई लड़ते थे, कांग्रेस की गंभीर आलोचना करते थे, एमएलसी के नाते वो विपक्ष के नेता थे और कांग्रेस के नाक को दम ला दिया था और इसके कारण कांग्रेस मुलायम सिंह जी से परेशान थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस इतनी तंग आ गई थी कि एक दिन 4 मार्च 1984 मुलायम सिंह पर गोलियां चली, उनको हत्या करने का गंभीर प्रयास हुआ, वे बच गए और उसके बाद मुलायम सिंह के समर्थन में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा मैदान में आया। मुलायम सिंह जी की हत्या करने के षड्यंत्र के खिलाफ चौधरी चरण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, मुलायम सिंह जी की रक्षा के लिए आंदोलन किया, मुलायम सिंह जी पर गोलियां चलाने वालों को सजा दिलवाने के लिए आंदोलन चलाया। भाइयों बहनों, और वह आंदोलन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ चला था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चला था। भाइयों बहनों, मैं जरा अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस की गोद में बैठने से पहले जरा 4 मार्च 1984 उस दिनों को याद कर दीजिए जब आप
उनके पिताजी पर कांग्रेस ने इतना गंभीर हमला करवाया था। 28 मार्च को बहुत बड़ी रैली हुई थी, क्या कभी आपने सुना है कुर्सी के मोह में कोई ऐसा भी बेटा होता है जो अपने बाप की जिंदगी के साथ खेल खेलने वाले लोग मौत का गांठ उतारने के लिए गोलियां चलाने वाले लोग और उनके पीछे जो लोग थे उनकी गोद में बैठ करके राजनीति करना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। तो बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तीनों पर यहां पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कन्नौज की इस रैली से आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कन्नौज में चुनावी रैली कर रहे हैं। इस रैली में उन्होंने आज अखिलेश के भाई प्रतीक यादव पर भी इशारों में वार किया और कहा कि आज भी मेरे पास कार नहीं जबकि यहां कारों की कतार है। आपको बता दें प्रतीक यादव सियासत में नहीं है लेकिन वो कार के शौकीन हैं और हाल फिलहाल में उनकी 5 करोड़ की कार सुर्खियों में रही थी। अनाथ आश्रम में भी गरीबों को खाना खिलाने में ये कोताही बरतते हैं। आप मुझे बताइए ये गरीबों की सरकार है क्या? क्या ये समाजवाद है क्या? अरे भाइयों बहनों, आप मेरे खाते में एक कार नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं। अभी तो प्रधानमंत्री हुए तो सरकार की गाड़ी में बैठ के गुजारा कर लेता हूं। और ये समाजवादी लोग उनके घर में 200 से ज्यादा तो गाड़ियां रखते होंगे, ये कौन सा समाजवाद? ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं भाइयों बहनों। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि अखिलेश सिर्फ फीता काटते रहते हैं, विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो इस पर अखिलेश ने भी पलटवार किया और कहा कि मेरे साथ एक्सप्रेस वे पर चलें और देखें कि काम कितना तेज हुआ। अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीत गई। क्या हुआ? तो कन्नौज में इस रैली में प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर तमाम आरोप लगाए, निशाना साधा। पीएम मोदी ने आरोप यह भी लगाया कि अखिलेश यादव विकास का डंका पीट रहे हैं लेकिन फीता काटने के अलावा काम कुछ हुआ नहीं। जो हमारे काम पर सवाल उठाया उन्होंने, तो मैं कहना चाहता हूं मैंने अपने घोषणा पत्र को जब जनता के बीच में रखा तो मैंने इस बात को कहा कि कोई भी साथी एक बार इस सड़क पर चढ़ लेगा तो मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की चुनाव चिन्ह साइकिल के अलावा किसी और को वोट नहीं दे सकता। देश के वित्त मंत्री आकर के कहते हैं, आज अखबार में पढ़ा होगा आपने, कि देश के वित्त मंत्री आकर कहते हैं कि आधी अधूरी सड़क का उद्घाटन कर दिया। हम कहते हैं चल करके देख लो, आगरा से कन्नौज आ जाओ, कन्नौज से लखनऊ पहुंच जाओगे, कहीं आपको रुकना नहीं पड़ेगा। ये अधूरी सड़क नहीं, ये चलती हुई सड़क है हमारी। और जो प्रधानमंत्री अगर चलने आज गुसाईगंज आए हैं, कन्नौज पहुंच रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि 10 मिनट 20 मिनट निकाल करके हमारी सड़क पे चल लो और चलने के बाद आप भी कहोगे कि हम भी साइकिल का बटन दबाएंगे।